आई एवरी वन वेलकम टू करण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा लेक्चर नंबर फोर जिसमें हम कवर करने वाले हैं सोशल इंस्टीट्यूशन ठीक है उसके फोकवेज मोर्स नॉम्स एंड वैल्यूज अब है तो वैसे छोटा टॉपिक टेन मिनट्स में वाइंड अप हो सकता है लेकिन मैंने इसको इसमें आपको क्या किया है पी पी टीज के थ्रू एक डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है क्योंकि इसे एम सी क्यूज बनने का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है इस टॉपिक से और इनके जो आपस में डिफरेंसेज है वो भी तो कम कम डिफरेंसेस है तो अगर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो इन टॉपिक्स की आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे बेसिक तो आपका गोल यही है ना कि ये सारी स्लाइड्स देख के वीडियोज देख के आप एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ तो उस वजह से आपको पीपीटीज में भी डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक प्रोवाइड की हुई है वहाँ मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगी या और भी कोई पीडीएफ इसके रिलेटेड होगा वो वहाँ मैं अपलोड कर दूंगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं ये मेरा ईमेल आईडी है इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन रीच आउट टू मी तो स्टार्ट करते हैं हम सोशल से देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन वो सारी चीजें आपको क्लियर है अब सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है पहले हम डेफिनेशन से देखते हैं ये वो कॉम्पोनेट्स है सोसाइटी के जो हेल्प करते हैं मेनटेन करने के लिए ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी कैसे थ्रू स्ट्रक्चरिंग ह्यूमन इंटरेक्शन एंड एक्टिविटी अगर इसको सिंपल लेम एंड टर्म्स में बोले तो वो चीज़ें सोसाइटी की जो हेल्प करती हैं आपको सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो कैसे करता है ये आपको बोलता है कि आपको आपस में कैसे रहना है इंटरैक्ट कैसे करना है काम कैसे करने हैं ठीक है ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करता है कैसे मेंटेन करता है आपको ये बता के कि आपको सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करना है एंड अपनी एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करनी है दैट मीनस रहन सहन कैसा होना चाहिए आपकी सोसाइटी का तो ये institutions आपको सबसे बेस्ट समझ में आएगा अगर आप इसकी एग्जाम्पल्स देखो रिलीजन रिलीजन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है सोसाइटी का ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करता है आपको आपस में कैसे रहना है वो रिलीजन से भी आप सीखते हो फैमिली एजुकेशन वगैरह या पॉलिटी इकोनॉमी ये सारी चीजें जो है इनको हम क्या बोलते हैं सोसाइटी के वेरियस इंस्टीट्यूशन जैसे इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज ए फैमिली मैरिज एंड किनशिप तो ये तीनों फैमिली मैरिज किनशिप जो है ये कॉम्पोनेंट्स ये एक्चुअली क्या है ये आपकी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन है ठीक है ये होता है सोशल इंस्टीट्यूशन दे फंक्शन थ्रू मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी बींग सोशलाइज इन टू देम अब इसका क्या मतलब हुआ ये जो इंस्टीट्यूशन हैं ये रिलीजन फैमिली वगैरह एजुकेशन क्या ये सोसाइटी के मेंबर्स के बिना चल सकते हैं नहीं फैमिली में जब तक मेंबर्स ना हो इंडिविजुअल्स ना हो क्या फैमिली रन हो सकती है नहीं रिलीजन चल सकता है नहीं कोई भी कॉम्पोनेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी का तब तक नहीं चल सकता जब तक मेंबर्स की उसमें सोशलाइजेशन ना हुई हो सोशलाइजेशन होता है जब हम किसी के वैल्यूज या नॉर्म्स अपने अंदर एम्बाइब करते हैं ठीक है जैसे फैमिली आपको सोशलाइज करती है जब बच्चा छोटा होता है वो ज़्यादा टाइम अपनी मामा के साथ स्पेंड करता है या अपनी जो इमीजिएट फैमिली होती है उसके साथ तो वो फैमिली क्या करती है उसको सिखाती है बेटा जब बड़ों को देखोगे तो सलाम करना झूठ नहीं बोलना होता है ऐसे बिहेव नहीं करना होता है ये सारी चीज़ें जो डूज एंड डोंट्स आपके फैमिली आपको अंदर एम्बाइब करती है आपके वो बेसिकली उस प्रोसेस को सोशलाइजेशन बोलते हैं वो आपकी सोशलाइजेशन हो रही होती है ताकि आप सोसाइटी के एक अच्छे मेंबर बन पाओ बी सोशल इंस्टीट्यूशन फंक्शन कैसे करते हैं थ्रू द मेंबर्स जैसे मैंने कहा मेंबर काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए थ्रू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जिन मेंबर्स की सोशलाइजेशन हुई होती है ठीक है उन सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन को लेके आपको पता होता है कि आपकी सोशलाइजेशन इस तरीके की है कि रिलीजन में आपको कैसे बिहेव करना है रिलीजन वाइज फैमिली वाइज एजुकेशन वाइज आपको कैसे बिहेव करना है तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है दे आर क्रिटिकल टू द डिसिप्लिन ऑफ सोशलॉजी क्योंकि बेसिकली आप सोशलॉजी में पढ़ के आ रहे हो सोसाइटी तो सोसाइटी के जो वेरियस कॉम्पोनेट्स है वो आपके लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन की डिफरेंस एसोसिएशन हमने पढ़ लिया है ये वो चीज होती है जो किसी गोल या किसी पर्पज के लिए बनाई जाती है ठीक है और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं दे रेफर टू द ऑर्गनाइज वे ऑफ डूइंग थिंग्स ये रिप्रेजेंट करता है एक कॉमन प्रोसीजर एसोसिएशन जो है इस देखो इंस्टीट्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो अभी फैमिली मैरिज वगैरह दिमाग में रखना एंड एसोसिएशन यू नो फुट फुटबॉल एसोसिएशन ट्रेड यूनियंस वगैरह तो एसोसिएशन डिनोट करता है मेम्बरशिप इट बिलोंग्स वी बिलोंग टू एसोसिएशन पोलिटिकल पार्टीज ट्रेड यूनियन यूथ क्लब्स फैमिलीज एक्सेट्रा और इंस्टीट्यूशन जो है ये डिनोट करता है ओनली अ मोड और मीन्स ऑफ सर्विस ठीक है ये वी डो नॉट बिलोंग टू एनी इंस्टीट्यूशन हम ये नहीं कहते कि हम वी डो नॉट बिलोंग टू फैमिली वी डो नॉट बिलोंग टू मैरिज ये जस्ट एक तरीका है जो हमें बताता है कि हमें सोसाइटी में कैसे सोशलाइज होना है एसोसिएशन कंजेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन में क्या आते हैं लॉज रूल्स रेगुलेशन वगैरह एसोसिएशन कंक्रीट होते हैं इंस्टीट्यूशन एब्सट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशन देखो मैरिज एक बड़ा ही एब्सट्रैक्ट टॉपिक है जो हर जगह हर सोसाइटी में वैरी करता रहेगा और एसोसिएशन कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन पर बेस्ड होता है ठीक है तो इसलिए इसको कंक्रीट बोलते हैं और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं इन कंपेरिजन टू एसोसिएशन अब देखो ये जो सारी चीजें हैं ना जैसे अभी आप सोच रहे हो दिमाग में क्वेश्चन में में का होना जरूरी है आप यहाँ पे कंपैरिजन देख रहे हो जब हम एसोसिएशन देखते हैं तो एसोसिएशन में पहला एक ग्रुप ऑफ होगा जब हम इंस्टीट्यूशन पहले देखते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं जैसे आपका मैरिज है ठीक है मैरिज खुद से ही नहीं चलेगा कुछ भी आप नहीं मैरेज में कर सकते ना मैरेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं तो जो आपके इंस्टीट्यूशन है उनके लिए भी इंडिविजुअल जरूरी होते हैं लेकिन यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है अगर एग्जाम में ऐसे एमसीक्यूज भी आते हैं आपको लगेगा चारों सही है ठीक है तो आपको देखना है उसमें से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा फिट बैठता है क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ठीक है तो एसोसिएशन हैज अ लोकेशन और इंस्टीट्यूशन की कोई लोकेशन नहीं होती है ये इनके कंपैरिजन में आप देख रहे हैं पहले हमने एसोसिएशन में ये भी देखा होगा कि कम्युनिटी के कंपैरिजन में अगर एसोसिएशन देखो तो कम्युनिटी के लिए एक जोग्राफिकल लोकेशन मस्ट है एसोसिएशन के लिए नहीं है लेकिन जब आप एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन देख रहे हो इन दो के डिफरेंस में देखो इसके लिए लोकेशन है और इसके लिए इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है एसोसिएशन आर मोस्टली क्रिएटेड और एस्टैब्लिश और ये प्राइमरी इवॉल्व होते हैं जैसे मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन अभी हम होमोसेक्शुअल uh, मैरेजेज की भी बात करते हैं गे मैरेजेज वगैरह ये भी uh, काफ़ी कंट्रीज में जो है लीगलाइज हो गया है ठीक है तो ये इवॉल्व होते रहते हैं विद टाइम और एसोसिएशन आप बैठ के एक फ्रेमवर्क डिसाइड करके क्रिएट और इस्टबलिश खुद से करते हो अपनी मर्जी से एसोसिएशन मे हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट नेम रिलिज इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरी नहीं है इसका एक स्ट्रक्चर होता है और एक सिंबल हो सकता है या नहीं हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलीजन की बात करें तो आपका क्रॉस या जो हिंदुइज्म का ये है ठीक है तो ये सिंबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसके लिए एसोसिएशन का अपना नाम वैसे एक डिस्टिंगटिव नाम भी हो सकता है एसोसिएशन में भी टेम्प्रोरी परमानेंट और जो इंस्टीट्यूशन है दे आर रिलेटिवली मोर ड्यूरेबल अगेन यही एग्जाम्पल देखो पॉलिटी इंस्टीट्यूशन कितनी सदियों से चला आ रहा है दो कि इसके फॉर्म्स चेंज हो सकते हैं बट इंस्टीट्यूशन अभी भी है मैरिज के फॉर्म्स चेंज हुए हैं काफ़ी लेकिन मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन काफ़ी सदियों से जो है वो इंटैक्ट रहा है ये थोड़ा आपका इंस्टीट्यूशन का था सोशल इंस्टीट्यूशन का ये डिफरेंस मैंने इसमें इसीलिए इंक्लूड किया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ अगर एग्जाम में कुछ कंपैरिजन या कंपैरेटिवली कोई क्वेश्चन आया तो आप वो आंसर कर पाओ अब तो इन सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या काम है एक तो सोसाइटी में यूनिटी एंड स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करते ही है लेकिन साथ साथ ये यूनिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी लेकिन साथ साथ ये और एक काम करते हैं ये आप पे सोशल कंट्रोल पुट करते हैं दैट आपके बिहेवियर को ही रेगुलेट करते हैं ठीक है कंट्रोल करते हैं अब अगर हम लॉ की बात करें एज एन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की बात करें जो वो टाइप ऑफ कंट्रोल होंगे जो थ्रू लेजिसलेशन एंड लॉज आएंगे उनको हम फॉर्मल सोशल कंट्रोल बोलते हैं फॉर्मल सोशल कंट्रोल और एक टाइप का कंट्रोल होता है जो सोसाइटी आपको आप पे पुट करती है ठीक है जो आपको बताता है कि कैसे बात करनी है क्या पहनना है क्या खाना है वो सारी चीज़ें तो वो होता है थ्रू नॉर्म्स आता है वो कंट्रोल या फोक वेज आता है थ्रू मोर्स आता है जो हमें इस टॉपिक में वीडियो में डिस्कस करना है उन सब चीज़ों को हम इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल बोलते हैं इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल ठीक है तो जो हमारे सिलेबस में है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के टॉपिक्स नॉर्म्स मोर्स वगैरह वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्म्स मोर्स फोकवेज एंड वैल्यूज यहाँ स्लाइड में फोक वेज है पर पहले हम नॉर्म्स डिस्कस करेंगे नॉर्म्स के बाद आपको एक चीजें क्लियर हो जाएंगे देखो हर सोसाइटी का कोई नॉर्मेटिव ऑर्डर होता है कोई पैटर्न होता है आप जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हो उस सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होंगे कुछ तरीके होंगे ठीक है कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी या कुछ रूल्स होंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा फाइन तो उनको हम नॉर्म्स बोलते हैं जो आपको सोसाइटी डिटर्मिन करती है दे आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सोशल साइंसेज दे आर मोस्ट कॉमनली डिफाइंड एज रूल्स और एक्सपेक्टेशन दैट आर सोशली एन्फोर्सड वो रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन जो आपको सोसाइटी ने आप पे इन्फोर्स किए हैं देखो इफ यूर ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी आप अपने मन की नहीं कर सकते हो हमेशा आपको सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है अगर आपकी सोसाइटी में किसी एक चीज़ को सही नहीं माना जाता है तो ये फैमिली मेक श्योर एंड यू ऑल्सो मेक श्योर कि आप वो चीज़ ना करो ठीक है जो आपको सोसाइटी सही नहीं मानती है क्योंकि सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन होते हैं जिनको हम नॉर्म्स या जिनको हम रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं नॉर्म्स ठीक है जनरली दे आर नोन एज स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर ठीक है ये एक स्टैंडर्ड है ऑफ ग्रुप बिहेवियर दैट मीन आपके सामने एक फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग आपका जो बिहेवियर है वो होना चाहिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करती है सोसाइटी कुछ स्टैंडर्ड सेट करती है कि हाँ आपको इसके अकॉर्डिंग इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलना है आपको इसे डिविएट नहीं होना है आपको कोई गलत काम नहीं करना है उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टुडे द वर्ड नॉर्म इज वेरी ऑफन यूज एज अ जेनरिक टर्म टू रिप्रेजेंट फोक वेज मोर्स लॉज कस्टम्स एटसेट्रा तो देखो नॉर्म्स पहले पढ़ाने का क्या रीजन था बेसिकली जो फोक वेज इंड मोर्स है ना ये टाइप ऑफ नॉर्म्स ही है ठीक है ये हम फिर इसमें डिटेल में पढ़ेंगे फोक वे मोर होता क्या है लेकिन आप ऐसे समझ लो बेसिकली जैसे जो आपको नॉर्म कहता है रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन है जो आपको सोशली एनफोर्स किया गया होता है यही चीजें आपकी फोक वेज एंड मोर्स ही है ये टाइप्स ऑफ नॉर्म्स ही आप इनको कंसिडर कर सकते हो इनफैक्ट एक थिंकर ने इनको बोला भी है कि टाइप्स ऑफ नॉर्म्स है इफ़ टूडे सम एक्शन इज कॉल्ड ए नॉर्म और नॉमेटिव इट ऑनली एम्फरसाइजेस डैट इट कन्फर्म्स टू कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन औरवियर ठीक है अगर हम किसी चीज़ को नॉर्म बोलते हैं कि सोसाइटी का नॉर्म है दैट मीन्स ये एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही होगी फॉर एग्जाम्पल किसी सोसाइटी का अगर नॉर्म है हर तीसरे दिन कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ऐसा है नहीं रियलिटी में कि हर तीसरे दिन आपको एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है तो वो सोसाइटी का नॉर्म है आपको वो नॉर्म अपने अंदर जो है सोशलाइज करना है या इम्बाइब करना है और अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना है द डिग्रीज ऑफ कन्फर्मिटी मे हाव एवर वेरी वेरी मच कोई नॉर्म होते हैं जो आपको मानने ही मानने हैं डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी होता है कितना किस हद तक आप कोई नॉर्म मानते हो ठीक है जरूरी नहीं ना आप सोसाइटी के हर नॉर्म्स मानते हो आप थोड़ा अपना भी करोगे इंडिविजुअल विल भी है आपके अंदर लेकिन यही इसका मतलब हुआ कि जो डिग्री ऑफ कन्फर्मिटी है किस हद तक आप वो नॉर्म्स मानते हो और नहीं मानते हो वो चीजें वैरी कर सकती हैं नॉर्म्स आर ग्रुप शेयर एक्सपेक्टेशन सच एक्सपेक्टेशन आर रिफ्लेक्टेड इन स्टेटमेंट सच एज अ गुड सिटीजन ऑलवेज है जेंटल मैन पेज हिज डेट्स

शेरफ ने लिखा था इन द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स जहां इन्होंने यूज किया था टर्म को पहली बार टू डिस्क्राइब द कॉमन स्टैंडर्ड्स और आइडियाज विच गाइड मेंबर्स मेंस इन ऑल एस्टेब्लिश ग्रुप्स ठीक है नॉर्म्स जो है आप इनको ब्लू प्रिंट ऑफ बिहेवियर भी बोल सकते हो ये डिटर्मिन करते हैं गाइड करते हैं कंट्रोल करते हो प्रडिक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर तो ये सारे जो की वर्ड्स है ना ये आप याद रख लेना कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में आपके एग्जाम में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए ब्लू प्रिंट ऑफ बिहेवियर किसको हम बोलते हैं ठीक ब्लू प्रिंट और बिहेवियर किसको हम बोलते हैं तो वहां पर आपको ये सारी चीजें रिकॉल होनी चाहिए अब इसके कुछ हैं सोशल नॉर्म्स और यूनिवर्सल ऑलो नॉर्म्स वैरी करेंगे सोसाइटी टू सोसाइटी लेकिन हर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं क्योंकि सोसाइटी सरवाइव नहीं कर सकती तब तक जब तक वो आपको कोई रेगुलेशंस आप पे पुट ना करे अगर एक सोसाइटी में दस मेंबर है और दस मेंबर अपनी मर्जी चलाए तो वो सोसाइटी में एक यूनिटी एक स्टेबिलिटी रहने के चांसेस नहीं है ना तो इसीलिए बोला जाता है सोशल नॉर्म जो है वो यूनिवर्सल होते हैं वो इन वन फॉर्म और द अदर दे आर प्रेजेंट इन ऑल सोसाइटीज नॉर्म्स आर रिलेटेड टू फैक्चुअल ऑर्डर देखो नॉर्म्स आपके दो टाइप्स के मिलेंगे ठीक है एक आपका होता है नॉर्मेटिव ऑर्डर एक आपका होता है फैक्चुअल ऑर्डर नॉर्मेटिव ऑर्डर होता है नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी फैक्चुअल ऑर्डर होता है एक्चुअली में जॉब एक्चुअल बिहेवियर होता है ठीक है तो नॉर्म्स जो होते हैं भी आपके फैक्चुअल होते हैं क्योंकि आपका जो नॉर्मेटिव ऑर्डर होता है जो नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी है वो क्लोज टू फैक्ट्स होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं है ना कोई भी नॉर्म बना दो आप सोसाइटी में ऐसा कोई नॉर्म बना दो फॉर एग्जाम्पल क्रोसिन खाने से कैंसर ट्रीट हो सकता है मेडिसिन खाने से कैंसर ट्रीट हो सकता है ऐसा कोई नॉर्म नहीं आ सकता ना क्योंकि ये चीज़ फैक्चुअल नहीं है तो आपका जो नॉर्मेटिव ऑर्डर है या नॉर्म्स है वो क्लोज टू फैक्चुअल ऑर्डर होने चाहिए ठीक है जो एक्चुअल में बेस्ड ऑन फैक्ट्स हो जो फिर आपका बिहेवियर प्रडिक्ट करेगा नॉर्म्स इनकॉर्पोरेट वैल्यू जजमेंट देखो वैल्यू क्या होता है जब हम बोलते हैं कोई चीज कितनी राइट और रॉन्ग है तो बेसिकली नॉर्म्स क्या कर रहे हैं अगर आप नॉर्म फॉलो करते हो तो आप ये जज कर सकते हो कि वो चीज़ सही है कि गलत है आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो आप वो नॉर्म्स कितना फॉलो कर रहे हो तो बेसिकली नॉर्म्स आपको हेल्प करते हैं जज करने के लिए वैल्यूज वैल्यूज मीन्स कोई चीज़ कितनी गलत या सही है नॉर्म्स आर रिलेटिव टू सिचुएशन एंड ग्रुप्स ठीक है पहले हम ये थोड़ा यहाँ पे मैं इरेज कर देखे नॉम्स रिलेटेड टू सिचुएशन एंड ग्रुप्स तो नॉर्म्स जो है सिचुएशन सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करेंगे हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं एंड विद इन सोसाइटी ऑल्सो ये अलग ग्रुप के अलग नॉम्स हैं लड़कों के लिए जो नॉम्स बने होते हैं वो लड़कियों के लिए नहीं होते ठीक है इनके लिए अलग होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर लड़के चाहे वो जितने बजे घर आ सके उनके लिए ज्यादा से टाइम लिमिट रात के बारह बजे ग्यारह बजे दस बजे हो सकती है लेकिन लड़कियां तो ये सोच भी नहीं सकती इस सोसाइटी में दैट मीन जो नॉर्म्स लड़कों के लिए बने हैं वो नॉर्म्स गर्ल्स के लिए नहीं है नॉम्स अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स भी वैरी करेंगे एंड नॉम्स अकॉर्डिंग टू आपकी सोसाइटी भी वैरी करते हैं नॉर्म्स नॉर्म्स आर नॉट ऑलवेज ओबेड एट ऑल ठीक है अब ऐसा तो नहीं है ना जितने नॉम्स बने आप सारे ओबे करोगे ठीक है ये आप जरूरी नहीं कि ऐसा हो बट अगर आप नॉर्म्स ओबे नहीं करते हो तो आप पे सैंक्शंस भी लगते हैं सैंक्शंस क्या होता है सैंक्शंस रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स होती हैं जो आपको मिलती है नॉर्म्स फॉलो या नहीं फॉलो करने के लिए अगर आप नहीं फॉलो करो नॉर्म अगर आपके लिए कोई नॉर्म है कि लड़कियों को घर इतने बजे आना है और आप नहीं आते हो तो अकॉर्डिंगली विल बी पनिश्ड बाय द सोसाइटी बाय योर फैमिली और अगर आप सारे अकॉर्डिंगली नॉर्म्स फॉलो कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं जैसे आपका एक प्रेस्टीज बढ़ता है सोसाइटी में आपका नाम बढ़ता है फेम रेस्पेक्ट ठीक है सारी चीजें आपकी बढ़ती है आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं या पनिश भी किया जा सकता है तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं नॉर्म्स जो है आप पे कुछ आपक्शन इम्पोज करता है नॉर्म्स वेरी विद सेंशन ठीक है नॉर्म्स जो है आर नॉर्मली बाय द पीपल ये कैसे नॉर्म्स आते हैं आपके अंदर थ्रू सोशलाइजेशन ये लोग अपने अंदर इम्बाइब करते हैं अगर वॉयलेट करोगे नॉर्म्स इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज डिवियंस डिवियंस क्या होता है अगर आपको इस पाथ पे जाना है फॉर एग्जाम्पल आप इस पाथ पे नहीं जा रहे हो आप इस पाथ से थोड़ा हटके जा रहे हो तो उसको हम डिविएट बोलते हैं आप नॉर्मल जो आपका प्रेस्क्राइब्ड पाथ है सोसाइटी ने जो आपको बोला है आपको किसी एक वे में बिहेव करना है आप वो नहीं कर रहे हो यहाँ पे शायद विजिबल नहीं था नीचे अगर आपको ऐसे जाना है इस रास्ते जाना है लेकिन आप इस रास्ते जा रहे हो तो आप जो प्रेस्क्राइब्ड पाथ है उससे डिविएट कर रहे हो ठीक है अगर आपकी फैमिली का रूल है कि आपको सुबह नौ बजे उठना है शाम को नौ बजे सो जाना है लेकिन आप रूल फॉलो नहीं करते हो तो वॉयलेन ऑफ नॉर्म हो गया तो उस फैमिली में आप एक डिवेंट कहलाओगे ठीक है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं या उस मेथड को डिवेंट्स नॉर्म्स पर्सनल भी हो सकते हैं सोशल भी हो सकते हैं सोशल नॉर्म्स जो अभी तक हमने सारे पढ़े जो आपको सोसाइटी बताती है एंड आपके पर्सनल नॉर्म्स हो गए जो आप खुद बनाते हो अपने लिए जैसे हम गोल्स uh, बनाते हैं रेजोल्यूशन न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो फिर हम फॉलो नहीं कर पाते कभी भी और कैरी फॉरवर्ड होता है वो हर साल आपने 2024 के लिए रेजोल्यूशन अपने लिए बनाया होगा वो आपके पर्सनल नॉर्म्स होंगे ठीक है आगे देखते हैं एसोसिएशनल नॉर्म्स ये वो नॉर्म्स जो बींग पार्ट ऑफ एन एसोसिएशन बींग ऑफ ए ग्रुप जो नॉर्म्स आप बनाते हो उनको हम एसोसिएशनल नॉर्म्स बोलते हैं फॉर्मल रूल्स और नॉर्म्स डिफाइंड डिफाइन द म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग ऑब्लिगेशन टू द एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ठीक है वो नॉर्म्स को हम एसोसिएशन नॉर्म्स बोलते हैं जो उस एसोसिएशन के आप अपने रूल्स होंगे राइट्स होंगे ठीक है जो बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट एसोसिएशन आपको फॉलो करने होंगे अब नॉर्म्स वर्सेस मोर्स लेकिन उससे पहले हम वापस चलते हैं आगे ये आप समझ गए नॉर्म्स क्या होता है अब जो फोक वेज एंड मोर्स वगैरह है दे आर नथिंग बटअ टाइप्स ऑफ नॉर्म्स ओनली ठीक है अब आप इसमें समझोगे आगे फोक वेस क्या होता है मोर्स क्या होता है लास्ट में हम देखेंगे वैल्यूज क्या होता है ये जो टर्म है फोकवेज इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जी समनर ने ग्राहम विल समनर इन अ बुक टाइटल्ड फोकवेज ठीक है इन्होंने क्या कहा था विलियम जी समनर ने विलियम ग्राहम समनर ने इन्होंने कहा था कि दो टाइप ऑफ नॉर्म्स होते हैं विच ही लेबल्ड एस फोक वेज एंड मोर्स तो फोक वेज एंड बट देर टाइप्स इससे आपको एटलीस्ट इतना तो क्लियर हुआ होना चाहिए दे आर पार्ट ऑफ नॉम्स ओनली तो वर्ड अगर आप देखो फोक वेज ठीक है तो फोक क्या होता है जनरली आपके लोगों के लिए पीपल ऑफ ए कंट्री या पीपल ऑफ ए रिजन के लिए आप यूज करते हो वर्ड फोक ठीक है एंड वेज क्या होता है आप बोल सकते हो हैबिट्स आपके तौर तरीके आप आते हो वहां का एक uh, चीज है ग्रीटिंग एवरी एल्डर या ग्रीटिंग एल्डर्स तो ये आपका एक फोक वे बन जाता है ठीक है जो आपको करना होता है जो आपका तरीका होता है एक हैबिट बन जाती है तो दे आर द एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर द टर्म इज ऑफन ब्रॉडली यूज टू इंक्लूड कस्टम्स कन्वेंशन एटिकेट्स वगैरह तो ये सारी चीज़ें इनमें कस्टम्स कन्वेंशन या मतलब जो बाई कन्वेंशन आप चीज़ें फॉलो करते हो आपके एटिकेट्स ठीक है आपका कंडक्ट सोसाइटी में कैसा है ये सारी चीज़ें मिला के हम इसको फोक वेज बोलते हैं द वेज ऑफ ईटिंग टॉकिंग ड्रेसिंग प्लेइंग वॉकिंग एट्सेट्रा रिप्रेजेंट फोक वेज और भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये एग्जाम्पल्स पढ़ लेना क्योंकि कभी डायरेक्टली क्वेश्चन जो तो एग्जाम में आता है वो एग्जाम्पल ही आता है आपको एग्जाम्पल दी हुई होगी फिर चार ऑप्शन होंगे कि ये फोक वे है या वैल्यू है नॉर्म्स है या मोर्स है ठीक है और आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना होगा सिंपल टर्म्स में जो फोक वेज हैं दे आर कस्टमरी नॉर्मल कस्टमरी नॉर्मल एंड हैबिचुअल वेज ऑफ द ग्रुप टू मीट सर्टन नीड्स और सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम्स ठीक है तो हैबिचुअल वेज जो आप दिन के अपने काम करने के लिए यूज करते हो वो सारी चीजें उनको क्या बोलते हैं नॉम फोक वेज बोलते हैं एनी रूटीन एक्टिविटी इन इट सेल्फ इज अ हैबिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल पर्सन बट वेन इट बिकम्स जनरल अमंग द कम्युनिकेटिंग फोक इट इज नोन एज अ फोक वे दैट इज हैबिट ऑफ ए ग्रुप आउट ऑफ द हैबिट्स डेवलप द यूनिफॉर्मिटीज इन हैबिट टू विच सोशलॉजिस्ट टर्म एज फोक वेज और कस्टम्स तो इसमें क्या लिखा हुआ है कोई भी रूटीन एक्टिविटी जो इंडिविजुअल करता है मतलब वो रूटीन में करते थे सुबह उठा ब्रश किया नहाया सुबह उठा ब्रश किया नहाया तो ये सोच ये होता है है फिर ठीक आपको कोई थॉट प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता आपको पता ये काम करना ही करना है तो वो इंडिविजुअल की एक हैबिट बन जाती है जब ऐसी ही हैबिट्स एक पार्ट ऑफ ग्रुप बन जाती है तो ग्रुप की हैबिट्स कहलाएंगी हैबिट ऑफ ए ग्रुप हैबिट ऑफ ए ग्रुप दिस हैबिट ऑफ ए ग्रुप इज नथिंग बट योर फोक वेज ठीक है हो सकता है एग्जाम में ऐसे की आ जाए जो हैबिट ऑफ ए ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे उसको मोर्स बोलेंगे नॉम बोलेंगे या फोक वे बोलेंगे तो ये सारी चीजें भी हैं की आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गए इसलिए मैं स्लाइड्स अपलोड करती हूँ टेलीग्राम uh, ग्रुप में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा दे आर लर्न इन द प्रोसेस ऑफ सिविलाई सोशलाइजेशन अगेन ये सारी चीजें हम सीखते हैं इवॉल्व होती रहती हैं चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी के अंदर हैबिट्स आर एंड फॉलोड नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी दे बिकम फोक वेज तो जहां पे आप क्वेश्चन में कीवर्ड हैबिट देखोगे तो याद रख लेना है फोकवेज से रिलेटेड होगा ठीक है जब इन्हीं हैबिट्स को सोसाइटी भी अप्रूव करे और ये एक ग्रुप फॉलो करना शुरू हो जाए वो आपके फोक फोकवेज बनते हैं

जैसे यहाँ पे सलाम करना इज ए फोक वे आप यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे जम्मू पहुंचो तो वहां पे पैर छूना वो इज़ ए फोक वे नमस्ते करना फाइन तो ये दे आर द वीकेस्ट नॉर्म्स अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा फोक वे और मोर्स की डिफरेंस uh, का भी पता चलेगा फोक वे इज़ आर द वीकेस्ट नॉर्म्स विच आर मोस्ट ऑफ दिन वॉयलेटेड बट लीस्ट लाइकली टू कैरी एनी सीवियर पनिशमेंट इनको वीकेस्ट नॉर्म्स बोला जाता है क्योंकि अगर आप ये वायलेट करते हो तो जरूरी नहीं आपको पनिश किया जाए जैसे हमने नॉर्म्स में क्या पढ़ा था इट कम्स विथ सैंक्शंस तो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स तो फोक वेस को वीकेस्ट नॉर्म्स बोला अगर नॉर्म्स के वेरियस टाइप्स होंगे ना तो फोक वे यहाँ पे लोवेस्ट लेवल में आएगा कि अगर लोवस्ट लेवल पे आने का मतलब कि अगर आप फोक वे फॉलो नहीं करो वायलेट करो तो आपको पनिश किया जाएगा अगर आप सुबह उठ के नहीं नहाते हो या आप एल्डर को ग्रीट नहीं करते हो स्माइल को वापस रेप्लीकेट स्माइल से नहीं करते हो क्या आप इस बात पर कोई कोर्ट ले सकता है या पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है नहीं तो इनको वीकेस्ट नॉर्म्स बोलते हैं तो ये भी याद रख लेना ले वीकेस्ट नॉर्म्स ऐसे आप क्वेश्चन बन सकते हैं आपके वीकेस्ट नॉर्म्स क्या है आपके मोर्स या फोक वेस वो आपके फोक वेज है फोक वेजर नॉट लुकड ऑन बाई मोस्ट ऑफ द पीपल एज मॉरल मैटर्स दे आर डीम द राइट वे एंड द नॉमल पीपल एक्सेप्ट मोस्ट ऑफ दम अनकक्वेस्चनेबली तो फोक वेज के साथ ज्यादा आप मॉरालिटी नहीं लाते हो कि चीज अगर आप कोई फोक वे फॉलो नहीं करो तो क्या आप इमोरल बन जाओगे ठीक है इमोरल एंड मॉल कॉन्सेप्ट जो है दे आर नॉट मोस्टली कनेक्टेड विद फोक वेज इनको बस एक राइट एंड नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग्स और लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं अनकोेश्चनेबली क्योंकि नहीं एक्सेप्ट करने पे भी कुछ खास आपको पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलती है थ्रू सोसाइटी फोक वेज डिफर फ्रॉम मोर्स इन दैट दे आर लेस सीवियरली सैक्शन एंड आर नॉट एब्सट्रैक्ट प्रिंसिपल्स एब्सट्रैक्ट नहीं है क्योंकि आपके पास तो एग्जांपल्स है ना कंक्रीट कोई चीजें हैं इनको फोक वे बोलते हैं इनको नहीं बोलते हैं आपको ये चीजें पता है इसीलिए इनको एब्सट्रैक्ट नहीं बोला जाता एंड दे आर लेस सीवियरली सेंक्शनड तो अगर आपको सोसाइटी से पनिश पनिश काइंड ऑफ मतलब आपको बायकॉट भी हो सकता है सोसाइटी से ये भी एक टाइप ऑफ पनिशमेंट है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम है एज कंपेयर टू मोर्स तो बेसिकली जो चीजें फोकवेज में होंगी वो चीजें मोर्स में भी हो सकती है लेकिन इंटेंसिटी कितना ज्यादा आपको सैंक्शन किया जाएगा वो इन दो चीजों की डिफरेंस बताता है फोक वेज जो है मे समाइम बिकम्स बर्डन सब नहीं चाहते हुए भी आपको फॉलो करना पड़ता है हर सोसाइटी के आपको बहुत सारे फोक वेज मिल जाएंगे ये आपका फोक वेज हो गया ठीक है नॉर्म्स, नॉर्म्स फोकवेज भी नॉर्म का टाइप है एंड मोर्स भी नॉर्मे का आ, इसका नॉर्म्स का टाइप है मोर्स ठीक है ये चीज याद रख लेना ये किसने कहा था सामनर ने मोर्स इज अ टर्म दैट इज यूज टू डिनोट बिहेवियर पैटर्न विच आर नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट प्रेस्क्राइब्ड तो यहाँ पे की वर्ड प्रेस्क्राइब्ड है अब जहाँ पे आप क्वेश्चन में प्रेस्क्राइब देखो कि बिहेवियर्स दैट आर प्रेस्क्राइब्ड वो फोकवेज हैं वो वैल्यूज हैं वो नॉर्म्स हैं वो मोर्स है तो आप वो उसके लिए क्या सिलेक्ट करोगे मोर्स अब प्रिस्क्राइब क्या होता है जो चीज आपको प्रेस्क्राइब की जाती है प्रेस्क्राइब की जाती है दैट बिकम्स एम्परेटिव अपॉन यू कि आपको जरूरी फॉलो करनी है डॉक्टर क्या करता है डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है और वो मेडिसिन लेना जरूरी होता है आपके लिए ठीक है फिर आप अपनी मर्जी ज्यादा उसमें नहीं चला सकते आपको मेडिसिन लेनी है वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे तो यही होता है विच आर नॉट ओनली उनको सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया जाता लाइक योर फोक वेज उनको प्रिस्क्राइब भी किया जाता है कि आपको बोला जाता है ये जरूरी है आप फॉलो करो अब फोक वेज आर डिस्टिंग्विड फ्रॉम मोर्स नॉट बाय देर कंटेंट बट बाय द डिग्री टू विच द ग्रुप मेंबर्स आर कंपेल्ड टू टू कन्फर्म में इसका मतलब आप समझ गए कि कंटेंट दोनों का सेम हो सकता है लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि अगर आपको कितना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर है फॉलो करने का तो मोर्स फॉलो करने का आप पे प्रेशर ज्यादा है फोकवेज फॉलो करने का आप पे प्रेशर जीरो तो बहुत कम है ठीक है ये इनके बीच का मेजर और बेसिक डिफरेंस है

तो पनिशमेंट किसकी मिलेगी ठीक है ये पॉइंट हो गया एट द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग कितनी ज्यादा फीलिंग्स एसोसिएटेड है वो भी मोर्स की ज्यादा है तो ये पॉइंट आप याद रख लेना इससे आपको फोक वेज एंड मोर्स जो है उनका डिफरेंस आराम से क्लियर हो जाएगा ये थोड़ी डिफ डेफिनेशन कॉमन वेज ऑफ एक्टिंग विच आर मोस्ट विच आर मोर डेफिनेटली रिगार्डेड एज राइट एंड प्रॉपर देन द फोक वेज एंड विच ब्रिंक ग्रेटेस्ट सर्टनिटी एंड सीवियरटी ऑफ पनिशमेंट इफ वायलेटेड आर द मोर्स तो सिवियरटी ऑफ पनिशमेंट किसमें ज्यादा होगी फोक वेज में मोर्स में वो मोर्स में होगी देखो ये सारे मैंने कहा इनमें बीच में थिन लाइन है डिफरेंसेज कम है लेकिन एम सी क्यूज बनने के स्कोप ज्यादा हैं और गलतियों के स्कोप भी ज्यादा है इसीलिए अंडरस्टैंडिंग इन चीजों की आपको काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए अब दो टाइप ऑफ मोर्स होते हैं हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोर्स तो पॉजिटिव मोर्स होंगे डूज आपके एंड नेगेटिव मोर्स होंगे आपके डोंट्स जो आपको नहीं करने होंगे पॉजिटिव मोर्स रिस्पेक्टिंग एल्डर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन टेकिंग केयर ऑफ डिजीज एंड द एज पीपल लविंग वन कंट्री वगैरह वगैरह यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ये डोंट्स हैं जो आपको नहीं करने हैं बींग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी और ये डूज हैं जो आपको करने हैं जिनके लिए आपको अप्रिसिएशन मिलेगी सोसाइटी में मोर्स जो है दे डिटर्मिन मच ऑफ और इंडिविजुअल बिहेवियर ठीक है मोर्स जो है वो इंडिविजुअल पे प्रेशर पुट करती हैं कि उनको कोई काम करना है मोर्स आइडेंटिफाई इंडिविजुअल विद अ ग्रुप अगर आप किसी एक ग्रुप का जो मोर्स हैं वो आप फॉलो कर रहे हो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप उस पार्ट ऑफ ग्रुप जो है वो बन रहे हो आप खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू करो उस ग्रुप से जिनके मोर्स आप फॉलो कर रहे हो मोर्स अत गार्डियंस ऑफ सोशल सॉलिडारिटी अगर सब लोग मोर्स फॉलो करेंगे तो उनकी सोसाइटी में एक यूनिटी आ जाएगी एक कोहेसिवनेस आ जाएगी मीन्स एक जुड़ाव आ जाएगा सोसाइटी में कि सारे लोग सोसाइटी की प्रस्क्राइब चीजें मान रहे हैं सोसाइटी अगर आपको चार चीजें बोल रही है कि ये फॉलो करो और दस के दस लोग ये चार चीजें फॉलो कर रहे हैं तो उन दस लोगों के बीच में एक यूनिटी एक भाईचारा होगा ठीक है क्योंकि कहीं पर कोई डिवियंस देखने को नहीं मिलेगी तो गार्डियंस ऑफ सोशल सॉलिडारिटी भी इनको बोला जाता है अब हम देखते हैं फोकवेज वर्सेज मोर्स

मैं आपको पनिश नहीं अपनी मर्जी फॉलो करो या ना करो तो वो चीजें थोड़ी ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू वो चीजें जो आप पे कंपेल की जाए क्योंकि ज्यादा चीजों कम चीजों के लिए आपको प्रेशराइज किया जा सकता है फॉलो करो ज्यादा चीजों के लिए प्रेशराइज आपको नहीं किया जा सकता मोर्स एम्प्लाय वैल्यू जजमेंट अबाउट द फोक वेज ठीक है फोक वेज आप अपनी मर्जी करोगे या नहीं करोगे मोर्स मैंने कहा इनकॉर्पोरेट क्या करता है वैल्यू जजमेंट ये हमने नॉम्स में पढ़ा था क्योंकि मोर्स जो है वो टाइप ऑफ नॉर्म ही है नॉर्म क्या कहता है इनका इनकॉर्पोरेट वैल्यू जजमेंट तो कोई चीज अगर आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो आपको बताता है कि उस वो चीज जो है वो राइट right है या रॉन्ग है ठीक है तो ये फोक फॉलो करना या नहीं करना या किसी पर्टिकुलर फोकवे का राइट right या रॉन्ग होना आपको बताता है Mores. Mores are more rigid, than ठीक है, आउट ऑफ मोर्स एंड नॉट फोक वेज आर प्रोफाउंड कन्विक्शन गेम देखो अब मैंने कहा फोक वेज हमने पढ़ा आपके कहीं मॉरल्स के साथ ज्यादा एसोसिएटेड नहीं है अगर आप कोई फेक फोक वे फॉलो नहीं करते हो आप खुद को इमोरल नहीं बोलोगे वो चीज किससे कनेक्टेड है आपके मोर्स से मोर्स आता ही मॉरल से है और मॉरल ही है जो आपको किसी चीज का राइट right होना या रॉन्ग होना बताता है ठीक है तो मोर से ही हमारा वो थॉट प्रोसेस आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है फोक वेस डीपली रूटेड इन सोसाइटी और चेंज होते रहते हैं मेड चेंज विध वन सोशलेशनल स्टेटसली परमेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट बिहेवियर ही है वायोलेशन ऑफ मोर्स एंड नॉट फोक वेज इज कंसिडर्ड एज ट्रेस पासिंग इन टू द राइट ऑफ अदर्स ठीक है फोक वेज नहीं अगर आप मोर्स को वायलेट करोगे तो इसका ये भी मतलब हो सकता है दूसरों का राइट right भी आप जो है उसको ट्रेस पास कर रहे हो इट मे बी नोटेड रैशनल फॉर एग्जाम्पल पर्दा सिस्टम को हर कोई रैशनल नहीं समझता अनटचेबिलिटी को या विडो रिमेरेज को ये अभी भी एक टैबू कंसिडर किया जाता है सोसाइटी में कुछ लोगों के लिए इैशनल भी हो सकता है किन के लिए फॉर एग्जाम्पल वेस्टनर्स के लिए तो जो मोर्स हैं दे वेरी फ्रॉम कल्चर टू तो कल्चर समंदर ने क्या कहा था कि जो लॉज है उनको हम कोडिफाइड मोर्स भी बोलते हैं तो जो लॉज है आपके जो आपके गवर्नमेंट बनाती है देआर नथिंग बट मोर्स को क्या किया गया है उन पे स्टैंप लगाई गई है उनको कोडिफाई किया गया है दैट मीन्स मोर्स को एक रिटर्न फॉर्मेट में लाया गया है ठीक है तो लॉज को क्या हम बोलते हैं कॉडिफाइड मोर्स बोलते हैं या कॉडिफाइड फोक वेज बोलते हैं उनको हम कॉरिफाइड मोर्स बोलते हैं ये हो गया आपका नॉर्म्स मोर्स भी हो गया folkways भी हो गया अब हम नॉर्म्स वर्सेज मोर्स देखते हैं वाइल बोथ नॉर्म्स एंड मोर्स जो हैं, दोनों सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं। Norms एंड a broader ब्रॉडर रेंज ऑफ बिहेवियर्स ठीक है क्योंकि नॉर्म्स में क्या आता है आपका नॉर्म्स में आपका मोर्स भी आएगा और folkways भी आएगा ठीक है लेकिन जो फोकवेज है उसमें मोर्स मोर्स में आपका सिर्फ मोर्स आएगा नॉर्म्स में आपका ये अगर आपका नॉर्म है ये सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्म ये इसके अंदर फोक वे है और ये इसके अंदर मोर है ठीक है वाइल मोर स्पेसिफिकली रेफर टू डीपली इनग्रेन मॉरली सिग्निफिकेंट नॉम्स दैट आर असेंशियल फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी आपके पास कुछ लेस सीरियस नॉर्म्स होंगे लेस सीरियस नॉर्म्स क्यों अब क्योंकि नॉर्म्स में हमारे काफी चीजें आ जाती हैं नॉर्म्स में हमारे फोकवेज भी आते हैं नॉर्म्स में हमारे कस्टम्स वगैरह भी आ जाते हैं ठीक है थीके? तो जो लेस सीरियस नॉर्म्स है उनकी पनिशमेंट उतनी स्ट्रॉन्गर नहीं होती है जितनी आपकी मोर्स की होती है अब खुद ही सोचो मोर्स इतना स्ट्रांग है कि लॉस को भी एक्चुअली मोर्स ही बोला जाता है इन अ कोडिफाइड फॉर्म ठीक है तो ये आई होप क्लियर हुआ होगा आपको नॉर्म्स uh, मोर्स फोक वगैरह तो जब ये सारा हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा जो मैं एमसीक्यूज लेके आऊंगी पहले मैं एमसीक्यूज अपलोड कर दूंगी बाद में हम इस पर वीडियो डिस्कशन बनाएंगे उसके आंसर पे उसमें भी आपको काफी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी ये हो गया आपका नॉर्म्स मोर्स एंड फोक अब चलते हैं वैल्यूज लास्ट टॉपिक आज का तो वैल्यूज बेसिकली क्या है वैल्यू आपको बताता है कोई चीज कितनी गुड है बैड है डिजायरेबल है और अनडिजायरेबल है राधा कमाल मुखर्जी ने वैल्यूज को कहा था सोशली अप्रूव डिजायर्स एंड गोल्स दैट आर इंटरनालाइज्ड किससे थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन जहाँ पे आप प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग वगैरह देखोगे या लर्निंग देखोगे वो भी आपका रिलेट होता है किससे सोशलाइजेशन से ही दैट बिकम सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेज इन इंडिविजुअल की अपनी प्रेफरेंस की किस चीज़ को राइट एंड रॉन्ग बोलता है और स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट आप एक आपने फॉर एग्जाम्पल बोला होगा कि कोई एक चीज करना राइट right है ठीक है सुबह नहाना या एल्डर्स को ग्रीट करना जो है ये सही है और जो ग्रीट नहीं करता है वो गलत हो गया तो ये आपने एक स्टैंडर्ड बनाया एल्डर को ग्रीट करना अब अब इस स्टैंडर्ड पे बाकी लोगों को क्या करोगे मेजर करोगे इस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कि क्या वो ग्रीट करते हैं कि नहीं तो अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यूएबल जो होंगी वो डिजायरेबल और अनडिजायरेबल होंगी एंड योर एस्पिरेशन तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है वैल्यू से तो जहां फोकवेज की बात आती है वहां पर हमने क्या पढ़ा ग्रुप की हैबिट्स जहां पे हमने मोर्स का बात मोर्स पढ़ा तो वहां पे हमने क्या देखा मॉरली राइट और रॉन्ग चीजें भी इससे रिलेटेड होती है मॉरली राइट एंड रॉन्ग और वैल्यूज जहां पे हैं वहां पे कौन सी चीजें हैं कौन सी गुड और बैड है या डिजायरेबल और अनडिजायरेबल तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर इसके साथ चीज के साथ रिलेटेड है कैरेक्टरिस्टिक्स दे प्रमोट टॉलरेंस एम्पथी अंडरस्टैंडिंग विच आर असेंशियल फॉर पीसफुल हार्मनी ये सारी कौन सी चीज़ें प्रमोट करती हैं गुड वैल्यूज़ ये हमारे बिहेवियर को गाइड करती हैं दे हेल्प अस नो व्हाट इज कंसीडर राइट एंड रॉन्ग कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है ठीक है वो हमें हेल्प करती है वो जानने में तो हम बोल सकते हैं हमारे बिहेवियर को गाइड करेंगे जैसे हमें पता है कि झूठ बोलना जो है वो सही नहीं है फाइन तो ये हमारे हम सही हम इस चीज इस वैल्यू को अपने अंदर पूरा इम्बाइब करें सोशलाइज करें तो ये हमारे बिहेवियर को गाइड करेगी क्योंकि हम हमेशा क्या करेंगे सच बोलेंगे ये करता है जो है जो वो एक sense of common purpose and belonging, create करती है, अगर सेम सोसाइटी की सेम टाइप ऑफ वैल्यूज होंगी तो वो उस सोसाइटी में एक यूनिटी मेंटेन रहेगी ठीक है एनकरेजिंग पॉजिटिव बिहेवियर को एनकरेज करेगा like being ऑनेस्ट हेल्पफुल काइंड लाइक हेल्पिंग अस टू कोप अप विद चैलेंजेस वैल्यूज क्या करते हैं हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ लाता है क्योंकि आपको आपका करेजेस होना ये भी एक वैल्यू है करेज ब्रेवरी तो ये सारी चीजें हमें क्या बताता है कि चैलेंजिंग टाइम को हमें कैसे कोप अप करना है हमारी लाइफ को एक मीनिंग मिलता है थ्रू वैल्यूज फाइन तो ये थोड़ा बहुत वैल्यूज का अब नॉम्स वर्सेज वैल्यूज़ देखते हैं वैल्यूज थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं जनरल होती हैं और आपके जो नॉर्म्स होते हैं इन कंपैरिजन टू वैल्यूज़ वो कंक्रीट होते हैं वैल्यूज़ ब्रॉड एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट वेयर एज नॉर्म्स आर स्पेसिफिक रूल्स गवर्निंग बिहेवियर तो ये तो ये जो स्टेटमेंट है आपको इससे पूरी इनकी डिफरेंस क्लियर हो जाएगी वैल्यूज़ आपको बताती है क्या चीज़ राइट एंड रॉन्ग है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड नॉर्म्स जो है वो क्या करते हैं वो आपको कुछ रूल्स हैं जो बताते हैं आपको बिहेव कैसे करना है सब्जेक्टिविटी वैल्यूज जो होती है वो सब्जेक्टिव होती हैं दैट मीन्स इंडिविजुअल जो है वो वैरी कर सकती है कल्चर और इंडिविजुअल में लेकिन जो नॉर्म्स है वो मोर और लेस स्टैंडरडाइज रहती है विद इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप एक सोशल ग्रुप के अंदर भी अलग वैल्यूज हो सकती है लेकिन एक सोशल ग्रुप के अंदर के जो नॉर्म्स है वो मोर और लेस सेम होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को

अगर सिर्फ ऑनेस्टी को अप्रिशिएट नहीं किया जाए लेकिन ऑनेस्टी को एज ए रूल बनाया जाए कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हो रही हैं ठीक है बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही हैं आपको उसमें ऑनेस्टी मेंटेन रखनी है अगर ऐसा कोई रूल बन जाए तो आपका जो वैल्यू है ये विद टाइम किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक नॉर्म में कोई चीज़ है जैसे अगर आप रिलीजन को वैल्यू करना या रिलीजन की रिस्पेक्ट करना ये एक वैल्यू है लेकिन अब क्या करते हो आईसा आईसा, इस पे लॉज या रूल्स बनना शुरू हो जाते हैं कि आपको रिलीजन को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है अदरवाइज आपको पनिश किया जा सकता है तो विद टाइम क्या होता है जो वैल्यूज है वो ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं जब वैल्यूज इतनी ज्यादा स्ट्रांग बनती हैं किसी सोसाइटी की तो वो एक लॉ उस सोसाइटी का या उस सोसाइटी का नॉर्म जो है वो बन सकता है तो ये था आपका वैल्यूज आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको आज का लेक्चर तो अगर अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया यू कैन रीच आउट टू मी इस ई मेल आई डी पे तो लाइक like करें शेयर करें सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे